Welcome back, student. Now we will see the next question, question number 4 of practice set 1.1. In the adjoining figure, AP perpendicular to BC. AP perpendicular to BC. AD parallel to BC. Then find area of triangle ABC is to area of triangle BCD, यानी ABC ये ट्राइंगल लेना है और BCD ये ट्राइंगल लेना है, ठीक है ना। तो अगर ये दोनों अगर पैरेलल है तो इनकी हाइट सेम होगा, ये तो पहले आपको समझ लेना चाहिए, ठीक है ना। देखो, इन फिगर टू ट्राइंगल्स ABC एंड ट्राइंगल BCD हैव सेम बेस, बेस दोनों क्या है, BC है। देखो, ये ट्राइंगल इसी बेस से बना हुआ, ये भी ट्राइंगल इसी बेस पे, यानी BC क्या है, दोनों में सेम रहेगा, BC यानी बेस, ठीक है। तो B1 इक्वल टू B2 लिख दिया, ओके। और अगर ये दोनों लाइन पैरेलल है तो इनकी हाइट और इनकी हाइट भी सेम रहेगी। तो अगले स्टेप में देखो, एंड दे हैव लाइन इन बिटवीन टू पैरेलल लाइंस AD एंड BC, सो देयर हाइट्स आर आल्सो इक्वल। देखो, बेस भी इक्वल हो गया, हाइट भी इक्वल हो गया, ठीक है ना। दैट इज S1 इक्वल टू S2। अगर हाइट और बेस दोनों इक्वल है तो थर्ड कंडीशन में क्या बोला था मैंने, थर्ड कंडीशन बताया था कि अगर हाइट और बेस अगर सेम है, इक्वल है, तो दोनों का एरिया का रेशियो, यानी दोनों ट्राइंगल का एरिया के रेशियो क्या होगा, 1 के इक्वल होगा, ठीक है ना। यानी कि एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी, एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल बीसीडी इक्वल टू 1/1, या क्रॉस मल्टीप्लाई कर दे तो दोनों एरिया इक्वल हो जाएंगे, लेकिन हमें रेशियो निकालना है तो रेशियो क्या आएगा, 1:1 आएगा, ठीक है ना। अंडरस्टैंड, दोनों का एरिया क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा, और इनका रेशियो अगर बात करें तो 1:1 आ जाएगा, ठीक। ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। इन एडजॉइनिंग फिगर PQ परपेंडिकुलर टू BC, AD परपेंडिकुलर टू BC, Then find following ratios, मतलब चार कंडीशन दी गया, इनका रेशियो निकालना है, ठीक है ना। तो 1/1 हम लोग सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम लोग फर्स्ट वाला लेते हैं, ओके। फर्स्ट वाले में क्या है, एरिया ऑफ PQB, एरिया ऑफ PQB अपॉन एरिया ऑफ PBC, यानी PQB ये लेना है और PBC लेना है, ठीक है ना। PQB और PBC में देखो, हाइट PQ दोनों सेम रहेगा, ठीक है ना। इन ट्राइंगल PQB एंड PBC क्या लिखा है यहाँ पे, हैविंग कॉमन हाइट PQ, मतलब दोनों का हाइट मैंने बोला ना, ये दोनों में सेम रहेगा ना, क्योंकि इस ट्राइंगल के लिए भी और इस ट्राइंगल के लिए हाइट क्या रहेगा, PQ ही रहेगा। तो हाइट सेम हो गया, यानी S1 इक्वल टू S2 हो गया। देखो, अब बेस की बात करें तो इसमें बेस BQ होगा और इस वाले में BC होगा, ठीक है ना। तो A1 अपॉन A2 इक्वल क्या आ जाएगा, B1 अपॉन B2, क्यों, क्योंकि अगर हाइट सेम है तो अकॉर्डिंग टू प्रॉपर्टी नंबर फर्स्ट में बात की थी ना, फर्स्ट में अगर हाइट सेम है तो बेस का एरिया रेशियो लेंगे हम लोग, ठीक है ना। तो उसी प्रॉपर्टी से A1 अपॉन A2 इक्वल क्या आ जाएगा, B1 अपॉन B2, ठीक है ना। यानी एरिया ऑफ ट्राइंगल PQB, एरिया ऑफ ट्राइंगल PQB अपॉन एरिया ट्राइंगल PBC क्या जाएगा, PQ, यानी इसका बेस और नीचे जाएगा BC। ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट सेकंड वाले पे आते हैं। एरिया ऑफ ट्राइंगल PBC, एरिया ट्राइंगल ABC, तो PBC ABC, तो देखो इसमें हाइट है PQ और इसमें वाले हाइट क्या है, AD है, बेस दोनों में BC सेम है, यानी अब बेस सेम हो गया, तो बेस सेम हो जाएगा तो दोनों ट्राइंगल में, ठीक है ना। यहाँ पे लिखा भी है कि इन ट्राइंगल PBC, इन ट्राइंगल ABC, हैविंग कॉमन बेस BC, यानी B1 इक्वल टू B2, अगर बेस सेम है तो एरिया का रेशियो क्या हो जाएगा, करस्पॉन्डिंग हाइट्स के रेशियो के इक्वल हो जाएगा, ठीक है ना। यानी A1 अपॉन A2 इक्वल टू H1 अपॉन H2, ठीक है। अभी दोनों ट्राइंगल ले लेते हैं, यानी एरिया ट्राइंगल PBC अपॉन एरिया ट्राइंगल ABC इक्वल टू PQ अपॉन AD। ओके, अंडरस्टैंड, समझ में आया सभी को।
अब आते हैं थर्ड नंबर पे इसका। थर्ड नंबर में देखते हैं क्या है, क्या लिखा है, एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी अपॉन एरिया ट्राइंगल एडीसी। देखो एबीसी ये ट्राइंगल लेना है हमें और एडीसी ये ट्राइंगल लेना है। तो साफ साफ देखो एडी दोनों में कॉमन यानी हाइट कॉमन हो गया, ठीक है, इसका बेस बीसी हो गया, इसका बेस डीसी हो गया, ठीक है। तो यहीं से समझ में आ गया कि क्या आने वाला आंसर। तो इन ट्राइंगल एबीसी एंड ट्राइंगल एडीसी हैविंग कॉमन हाइट्स एडी, अभी मैंने बोला हाइट कॉमन है यानी एच वन इक्वल टू एच टू, देयरफॉर ए वन अपॉन ए टू इक्वल टू बी वन अपॉन बी टू से क्या आ जाएगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल एडीसी इक्वल टू क्या आ जाएगा, बीसी अपॉन डीसी, बीसी अपॉन डीसी यानी दिस अपॉन दिस। ओके अंडरस्टैंड। अब आते हैं फोर्थ नंबर पे। फोर्थ नंबर में क्या है, एरिया ट्राइंगल एडीसी यानी एडीसी ये ट्राइंगल लेना है, दूसरा एरिया ट्राइंगल पीक्यूसी, पीक्यूसी ठीक है। अब इसमें ध्यान से देखो, इसमें एडी हाइट है, इसमें पीक्यू हाइट है, इसमें बेस डीसी है, इसमें बेस क्यूसी है, यानी दोनों डिफरेंट डिफरेंट हो गया, ठीक है। तो पहले देख लेते हैं, डीसी इज द बेस एंड एडी इज हाइट एंड इन ट्राइंगल पीक्यूसी, क्यूसी इज बेस एंड पीक्यू इज हाइट, दोनों का डिफरेंट हाइट है, डिफरेंट बेस है। तो पहला वाली कंडीशन लगा देते हैं, जो प्रॉपर्टी फर्स्ट वाली जो कंडीशन थी, मतलब एरिया ऑफ रेशियो ऑफ रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ टू ट्राइंगल्स, ठीक है ना। तो ए वन अपॉन ए टू क्या जाएगा, बी वन इंटू एच वन अपॉन बी टू इंटू एच टू, ठीक है। अब दोनों ट्राइंगल लेते हैं, क्या है, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी सी अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल पी क्यू सी इक्वल टू क्या हो जाएगा, डी सी यानी फर्स्ट वाले ट्राइंगल वाला जो ए डी सी है उसका बेस क्या है, डी सी, हाइट क्या है, ए डी, ठीक है। और जो सेकंड वाला ट्राइंगल क्या है, बेस क्या है, क्यू सी और हाइट क्या है, पी क्यू। ओके तो इन दोनों के हाइट और जो बेसिस हैं, तो अकॉर्डिंग टू प्रॉपर्टी क्या होता है, द रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ टू ट्राइंगल्स, द रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ टू ट्राइंगल्स इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ द रेशियो ऑफ देयर द प्रोडक्ट, द रेशियो ऑफ प्रोडक्ट ऑफ देयर बेसिस एंड करस्पॉन्डिंग हाइट्स। ओके अंडरस्टैंड, आ गया सबको समझ में। ओके स्टूडेंट, तो ये फर्स्ट एक्सरसाइज यानी प्रॉब्लम सेट 1.1 कंप्लीट होता है। नेक्स्ट प्रॉब्लम प्रैक्टिस सेट हम लोग डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ओके बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।